हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसकेबी ब्यूटीफुल एंड मैं हूं कंचन। एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं अबाउट पैराबेंस इन वेरियस कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बिकॉज पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी दैट आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट दी सोमी स्कैन प्रोडक्ट में क्या पैराबेंस है, क्या पैराबेंस हमारे स्किन के लिए हार्मफुल है, क्या पैराबेन की वजह से कैंसर होता है। तो मैंने सोचा दैट आपका जो आंसर है वो येस या नो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर देने से बेटर है दैट मैं कंप्लीट वीडियो बना लूँ इस मैटर के ऊपर। बिकॉज येस या नो में आंसर देना बेसिकली इनकम्प्लीट आंसर होता। देयरफॉर अगर आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं देन प्लीज कीप वॉचिंग। पैराबेंस बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे कॉस्मेटिक में, फूड एंड मेडिसिन में भी यूज किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। यस, नॉट ओनली इन कॉस्मेटिक बट फूड्स एंड मेडिसिन में भी यूज किए जाते हैं पैराबेंस। पैराबेंस हमारे कॉस्मेटिक, फूड एंड मेडिसिन में यूज क्यों किए जाते हैं? समझ लीजिए, आपने एक स्ट्रॉबेरी लिप बाम खरीदा, या फिर बनाना शैम्पू खरीदा, या फिर एग शैम्पू खरीदा, लेवेंडर शावर जेल खरीदा, या फिर चॉकलेट बॉडी बटर खरीदा। तो ये जो स्ट्रॉबेरी हुआ, बनाना हुआ, लेवेंडर हुआ, चॉकलेट हुआ, ये सारे क्या है ना, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। आप समझ लीजिए आपने एक हेयर पैक बनाया, बनाना से स्मैश करके जो हेयर पैक बनाते हैं वो बनाया है आपने एंड उसे एक बोल में आपने रख दिया है। आप उसे तुरंत यूज नहीं करते हो बल्कि कल यूज करते हो, लाइक एक दिन बाद यूज करते हो। तो क्या वो बनाना का जो आपने स्मैश करके पैक बनाया वो यूज करने लायक रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज उसमें कीड़े लग जाएंगे, वो सड़ जाएगा, क्योंकि आपने उस बनाना में प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। बिकॉज वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, घर का बनाया हुआ है, तो आपको उसमें बेसिकली आपको तुरंत ही उसे यूज करना चाहिए, देयरफॉर वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट आप नेक्स्ट डे यूज करोगे तो वो सड़ जाएगा बिकॉज उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ रहता है। अब बात रख लीजिए दैट यही बनाना हेयर पैक या शैम्पू या कंडीशनर अगर फैक्ट्री में बन रहा है तो वो फैक्ट्री में बनेगा एंड देन अच्छे से पैक्ड होके उसके बाद होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा। बेसिकली वो किसी भी वेव से क्यों ना आए, कस्टमर जो ओरिजिनल कस्टमर जो उसे यूज करेंगे उसके पास काफी दिनों के बाद ही पहुंचेगा एंड वो जो ओरिजिनल कस्टमर जो खरीद रहे हैं इस बनाना हेयर शैम्पू पैक और समथिंग लाइक दैट जो भी बनाना से बना हुआ है वो भी काफी दिनों तक अपने पास रखेंगे, एटलीस्ट जब तक उनका खत्म नहीं हो जाता है। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी बनाना तो यूज किया है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट, बट अगर उसमें उन्होंने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है फैक्ट्री में वाइल मेकिंग दैट प्रोडक्ट, तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा। जैसा कि आपने अगर एक दिन रख दिया तो वो सड़ जाएगा, तो उनके लिए वो कंपलसरी हो जाता है प्रिजर्वेटिव डालना। एंड सेम गोज फॉर चॉकलेट बॉडी बटर, लेवेंडर शावर जेल और स्ट्रॉबेरी लिप बाम। देयरफॉर जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं शॉप से उसके ऊपर जो लिखा होता है ना मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट या फिर मैन्युफैक्चर डेट, यूज बिफोर 24 मंथ्स या 12 मंथ्स, इसलिए लिखा होता है बिकॉज जो जब मैन्युफैक्चर हो रहा होता है वो फैक्ट्री में, जिन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है एंड उन्हें पता है दैट उन्होंने क्या कौन कौन से नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, कौन कौन से केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स डाले हैं एंड उस नेचुरल एंड केमिकल इंग्रेडिएंट्स को लाइक जब तक कस्टमर के हाथ में ना चला जाए, वो यूज ना कर ले, उस टाइम के बीच में जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं उन्हें पता है दैट वो प्रिजर्वेटिव कितने दिन तक उस प्रोडक्ट को एक्चुअली बचा के रख पाएगा, उसी हिसाब से वो लोग डिसाइड करते हैं दैट मैन्युफैक्चर डेट ये है तो इतने दिन तक ही वो प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है कस्टमर से। मोस्ट कॉमनली पैराबिन जो हमारे प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं वो होते हैं मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, ब्यूटाइल पैराबिन, आइसोब्यूटाइल पैराबिन एंड इथाइल पैराबिन। अब इसके जो जो मैंने बताया है ये नॉर्मली कॉमन है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पैराबिन यूज किए जाते हैं बट नहीं भी यूज किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट का नीड क्या है, उस लाइक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए क्या जरूरत है। अब इसमें क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो मैंने पैराबिन बताए वो सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट में डाल के यूज किए जाते हो, वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है दैट कौन सा प्रोडक्ट का जरूरत क्या है, उस हिसाब से वो लोग हो सकते हैं इसका दो कंपोनेंट ले ले, थोड़ा लाइक 2.0.2 दे, इसके 0.2 दे, हो जाता है। बहुत बार सारे के 0.2 या फिर 0.1 ऐड करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक पैराबिन की जरूरत होती है तो बस वही डालते हैं उस प्रोडक्ट में। तो ये भी बहुत मैटर करता है दैट कौन से प्रोडक्ट में कितना ज्यादा पैराबिन है या कम पैराबिन है या फिर मीडियम है या फिर बहुत ज्यादा पैराबिन यूज किया गया है। क्या पैराबिन्स हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, क्या पैराबिन से कैंसर होता है? तो इसका आंसर ये है दैट बहुत सारे डॉक्टर्स एंड मेडिकल रिसर्चर्स ने पाया है दैट कैंसर पेशेंट्स के बॉडी में पैराबिन्स मिला है उन्हें। बेसिकली रिपोर्ट जो भी जिनको कैंसर है उनका जो रिपोर्ट जो होता है मेडिकल रिपोर्ट फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने देखा है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम उनके बॉडी में पैराबिन्स पाए गए हैं। देयरफॉर उनका मानना है दैट पैराबिन कॉजेस कैंसर, मानना है दैट पैराबिन कॉजेस कैंसर एंड उसी की वजह से दिस इज हार्मफुल फॉर आवर स्किन। ऑन द अदर हैंड किसी भी तरीके के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंड उन्होंने भी खुद
उनका मानना है, बट वो लोग श्योर प्रूफ के साथ नहीं बोल पा रहे हैं दैट उसी की वजह से कैंसर हो रहा है। ये मैटर एक्चुअली उनके लिए भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बिकॉज एक तरफ से उन्हें पैराबिन्स मिले हैं कैंसर पेशेंट के बॉडी में, बट दूसरी तरफ से उनके पास प्रूफ नहीं है दैट उसी से कैंसर हो रहा है। तो हो सकता है डैट उनके बॉडी में तो मिले हैं बट उससे कैंसर ना हो रहा, तो एक्चुअली ये जो मैटर है वो साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो हमारे पास आंसर कहाँ से होगा। तो सब कुछ जानने के बाद आप मुझसे पूछना चाहेंगे दैट इतना कुछ जानने के बाद क्या आप खुद भी पैराबिन जिस प्रोडक्ट्स में है आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहेंगी? तो उसका आंसर येस है, बिकॉज मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स, वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, जो बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड सो आई एम, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ बहुत टाइम, बट बहुत बार ऐसा होता है मैं अफोर्ड कर पाती। फॉर एग्जांपल प्लम के प्रोडक्ट जो होते हैं वो पैराबिन फ्री होते हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है, देयरफॉर मैं वो खरीदूंगी। जो प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा एंड पैराबिन फ्री होगा मैं खरीदूंगी, बट बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे खरीदने हैं बट मैं देख रही हूँ काफ़ी एक्सपेंसिव है बिकॉज वो पैराबिन फ्री है, तो मैं वो नहीं खरीदूंगी। सेकेंड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक्सपेंसिव है एंड पैराबिन फ्री हैं, मुझे बहुत लेने का मन है, मुझे पता है वो अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, फिर भी मैं, मेरे को बहुत टेम्पटेंशन है कि दैट मैं, मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं अपने पैसे सेव करके भी ले ले रही हूँ वो प्रोडक्ट, बट मेरे ऊपर काम नहीं कर रहा उसका जो लाइक जो क्लेम्स है वो एटलीस्ट मेरे लिए वो पूरा नहीं कर रहा है, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर माई स्किन टाइप। सो उससे बेटर है मैं अपने पैसे जो है वो वेस्ट करने से बेटर है मैं कुछ ऐसा खरीदूँ जो मेरे लिए वर्क करता है एंड मेरे लिए अफोर्डेबल है। थर्ड, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट का मानना है दैट पैराबिन कॉजेस कैंसर बिकॉज मैंने जो भी आपको बताया, बट वो कोई प्रूफ नहीं है उसका। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दैट हम लोग कितने सालों से लाइक ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट जो होता है ये 2004 से आई गेस इसका अवेयरनेस फैलना स्टार्ट किया है, अभी और ज़्यादा हो गया है, बट उसके पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब सारे प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स लाइक डाबर, हिमालया, कोलगेट एंड वैसलीन एंड बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें पैराबिन यूज़ किए गए हैं। एंड हो सकता है दैट जो पेशेंट को कैंसर हुआ है जिन लोगों को, वो लोग भी ये सारे प्रोडक्ट ऑब्वियसली यूज़ करते होंगे बिकॉज इतना अवेयरनेस नहीं था पहले इस बारे में। सो उनके बॉडी में पैराबिन्स निकलना तो आम बात है। सपोज अगर कल को मुझे कैंसर होता है तो मैं जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बहुत सारे पैराबिन फ्री भी होते हैं, बहुत सारे विद पैराबिन्स भी होते हैं, बिकॉज़ मैंने बताया आपको मैं क्यों यूज़ करना चाहूँगी वो सारे प्रोडक्ट्स एंड कंटिन्यू करूँगी। तो अगर मुझे होता है कैंसर एंड मुझे मेरा बॉडी चेकअप होता है मेडिकल चेकअप, तो मेरे बॉडी में तो पैराबिन्स मिलेंगे बिकॉज मैं तो पैराबिन मतलब वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही, तो थोड़े बहुत स्किन से जो होते हैं लाइक अब्जॉर्ब होता है या फिर समथिंग इन दिस वे और दैट वे, मेरे मेडिकल चेकअप में डॉक्टर्स को पैराबिन्स तो मिलेंगे ही, बट उससे प्रूफ नहीं होगा दैट पैराबिन्स की वजह से मुझे कैंसर हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे दैट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देयरफॉर मैं कंटिन्यू करूँगी ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना जो मेरे लिए वर्क करते हो, मेरे लिए अफोर्डेबल हो, मेरे लिए काम करते हो, मेरे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देता हो, लाइक मेरे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता हो, लाइक मेरे पिम्पल्स के लिए कैन एक्टिव मेरा सोल्यूशन है, फेरी सीरम मेरा सोल्यूशन है बिकॉज वो प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखता है मेरी स्किन को, बट उन दोनों प्रोडक्ट्स में पैराबिन्स है। सोमी स्कैन प्रोडक्ट्स में पैराबिन्स है, डाबर का प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ उसमें पैराबिन्स है, हिमालया मुझे सूट नहीं करता है बिकॉज नीम वाली चीज़ों से मुझे एलर्जी है, एंड कोलगेट तो हम लोग ईच एंड एवरी डे यूज़ करते हैं, आप जाके आज ही अगर आप कोलगेट यूज़ करते हैं या फिर डाबर का कुछ और कोलगेट यूज़ करते हैं या फिर सेंसोडाइन जो टूथपेस्ट आता है उसमें भी पैराबिन्स पाए गए हैं, लाइक पाए गए हैं क्या, अगर आपके घर में तो अभी आप जाके देखिए उसमें पैराबिन्स है। अब नॉट ओनली इन दैट, आपके घर में जो भी लाइक नॉर्मल FMCG प्रोडक्ट्स है सो उस सारे में आप देखिए किस किस में पैराबिन्स है, आपको मोस्टली सारे के सारे में मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ ही साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसे प्रेस कीजिए, वो व्हाइट हो जाएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा आप, ताकि आगे से मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच।